अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आदिज होम क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम ड्रेस डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि हम पार्टी वेयर ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी किस तरह से करते हैं। एंड उसका साइज़ आप देख लें, 2500 बाय 2500 रख रही हूँ। और हम लेयर्स पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट एन इमेज टू ऐड करेंगे। गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से हम जो भी इलस्ट्रेशन हमने बनानी है वो इमेज ऐड कर लेंगे। हम इमेज ऐड हो गई, अब इसको करूँगी लेयर वन को ऊपर करूँगी और उसके बाद जूम इन जूम आउट टूल से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। साइज़ इसका जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद हम ब्रशेस पे जाएंगे, जी पेन सेलेक्ट करेंगे और हम अपनी लाइन आर्ट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। पिक्चर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और आप अब लाइन आर्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे ये बना हुआ है आप लाइन आर्ट वैसे वैसे बनाते जाएं। हर चीज़ आप अलग लेयर पे बनाएं, लेकिन इस ड्रेस में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं अलग अलग लेयर पे नहीं बनाऊंगी। साड़ी की तरह का ड्रेस है ये, तो इसको मैं एक ही लेयर पे ये इतना बनाऊंगी, उसके बाद एक और लेयर ऐड करके ये बीच का जो पार्ट है इसका ये बनाऊंगी। उसके बाद हम एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पे जो पल्लू पीछे आ रहा है ये बनाएंगे हम, ठीक है। जहाँ से फोल्ड है, जहाँ कर्व्स आ रहे हैं, हर चीज़ हम बना लेंगे लाइन आर्ट पे, ठीक है। ये हमारी लाइनर ड्रॉ हो गई है। अब हाइड करके लेयर को तो देखें, जो चीज़ ठीक नहीं आपको उसको इरेज कर दें और जो सही नहीं लग रहा वहाँ आप उसको ठीक कर लें। ये ड्रेस की लाइनर बन गई। एक और कलर लेयर ऐड करेंगे और अब हम हेयर ड्रॉ करेंगे। हेयर आपने किस तरह से ड्रॉ करने हैं, जैसे हमने लाइन आर्ट बनाई थी ड्रेस की, इसी तरह एक हम लाइन आर्ट बना लेंगे हेयर्स की, ठीक है। एक एक हेयर को पकड़ पकड़ के नहीं बनाएंगे अभी, बस हम एक लाइन आर्ट के तौर पे कि यहाँ यहाँ हेयर्स आ रहे थे हम उसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये हेयर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक और कलर लेयर ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम बॉडी बनाएंगे, ठीक है। फेस फीचर्स मैं अपनी इलस्ट्रेशन में नहीं बनाती हूँ, तो वो मैं आपको किसी भी इलस्ट्रेशन में नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है कि प्रॉपर आँखें और नाक वगैरह, वो मैंने सीखा भी नहीं है। सीधी सी बात है कि मैंने सीखा भी नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने सीखा भी नहीं है वो, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी फेसलेस होती है इलस्ट्रेशन, तो मैं आपको वही सिखाऊंगी। हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे कोई और वो भी मिल जाए ऑप्शन फेस का, कि फेस किस तरह से बनाना है, आप वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो आपको मिलेंगी वीडियोज़ वो फेसलेस इलस्ट्रेशन की ही मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम फेस हैंड सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सब हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक और कलर लेयर ऐड करेंगे और ये जो ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी हमने इस तरह से बनानी है कि अगर जैसे ये इसने ब्रेसलेट पहना हुआ है या वॉच है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रेसलेट है या वॉच है, मेरे ख्याल से शायद ब्रेसलेट ही है, ठीक है। तो हम इसको पूरा ब्लैक कर देंगे, ठीक है। पूरा ब्लैक क्यों करेंगे ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। जो रिंग्स बनी हुई है इनको भी आप पूरा ब्लैक कर दें, ठीक है। जो जितनी भी ज्वेलरी बनी हुई है, नेल्स बने हुए हैं, आप इनको पूरा ब्लैक कर दें। अब एक और कलर लेयर ऐड करेंगे और जो इयर रिंग्स हैं वो मैं इस पर ड्रॉ करूँगी। ये भी आपने पूरे ब्लैक कर देना है। इसको ऐसे नहीं कि इसकी लाइन आर्ट बनानी है, आपने इसको पूरा प्रॉपर बनाना है और इसको ब्लैक कलर में ही बनाना है। ये हमारी लाइन आर्ट पूरी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक और कलर लेयर ऐड करनी है जो हमारी ड्रेस की लाइन आर्ट थी उसके नीचे, ठीक है। और जी पेन आपने सेलेक्ट करना है, साइज़ आप देख लीजिएगा
कि जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी की इसमें लाइंस आ रही हैं गोल्डन, यहाँ पे आपने जो है ना ब्लैक कलर से, जिस तरह से जितना इनका साइज़ है उस हिसाब से आप साइज़ रख लीजिएगा, और ये हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है। जैसे जैसे ड्रॉ ही हुई है, जहाँ जहाँ कर्व्स आ रहे हैं वैसे वैसे हमने पूरी ये ड्रॉ कर लेनी है। हम इसको पूरा ब्लैक रखेंगे, इस पर अभी कोई कलर ऐड नहीं करना है, इसको ब्लैक से ही बनाना है। इसको हम यहाँ से, मैं वीडियो को फास्ट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। समझ तो आपको आ रहा होगा कि किस तरह से ये मैं बना रही हूँ। जो जो जैसी जैसी लाइंस आ रही हैं आप वैसे वैसे उसके ऊपर ड्रॉ कर दें, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। आप इसको ड्रॉ कर लें। ये हमारी ड्रेस की लाइन आर्ट हो गई। अब इसके बाद जो पीछे पल्लू था उसके ऊपर एक पल्लू की जो लाइन आर्ट हमने बनाई थी उसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड करेंगे, और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी की लाइंस आ रही हैं वो हम ड्रॉ करेंगे ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये आप हाइड करके देखें तो ये इस तरह से लाइन आर्ट हमारी पूरी तैयार हो गई। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से आपकी जो है वो एम्ब्रॉयडरी अभी नहीं हुई, आप उसको भी कर लें, या नहीं की थी तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जो इमेज वाली हमारी लेयर थी इसको सेलेक्ट करेंगे, जूम इन जूम आउट टूल से इसको छोटा करके साइड पे हम ऊपर रख लेंगे जहाँ से हम कलर्स और सब कुछ ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। जो हमारी लाइन आर्ट थी उसके ऊपर हम कलर लेयर ऐड करेंगे। उस आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी वाली लेयर को हाइड कर दें। ठीक है, बकेट टूल हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सपैंड अप टू पे रखेंगे, और जो ब्लैक कलर्स में आ रहा है ना इससे थोड़ा सा लाइट कलर ही हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं उसमें पूरा प्रॉपर जो ब्लैक कलर होता है ना वो हम सेलेक्ट नहीं करते, उससे थोड़ा सा लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। तो आपने जो ब्लैक कलर्स में आ रहा है इससे थोड़ा सा लाइट कलर सेलेक्ट करना है। कलर स्लाइडर से आप देख लें कि स्लाइडर कहाँ पर, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप फिल कर दें बकेट टूल से इसमें कलर्स। ठीक है, ये कलर फिल हो गए, जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ आप पेन से कलर फिल कर लें। ठीक, अब ये सारे हम पल्लू में भी कलर ऐड कर लेंगे। कलर लेयर ऐड करते जाना है और कलर ऐड करते जाना है पूरी इलस्ट्रेशन में। कलर फिल हो गया, उसके बाद आप एम्ब्रॉयडरी वाली लेयर को अनहाइड करके भी देख लें कि किस तरह से इलस्ट्रेशन लग रही है। ये जहाँ जहाँ शेड्स आ रहे हैं आप जो हमारी कलर वाली लेयर थी उसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड करें। जहाँ जहाँ शेड्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, शेड्स आ रहे हैं, आप वहाँ शेड्स ऐड करें। ठीक है, जहाँ हाइलाइट्स आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाइलाइट्स आ रहे हैं या लाइट पड़ रही है, वहाँ आप हाइलाइट्स ऐड कर लें। इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है वैसे कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें शेड्स आ रहे हो। आप में ऐसी कोई चीज़ दिखानी कि यहाँ साड़ी में फोल्ड आ रहा है तो आप वहाँ जो है वो शेड्स ऐड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ ताकि पता लगे यहाँ से साड़ी थोड़ी सी फोल्ड हो रही है। ठीक है, ये आपने ऐड कर लिया। इसी तरह आपने अगर हाईलाइट्स ऐड करने हो आप हाईलाइट्स ऐड कर लें थोड़े। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ ज़रा डार्क शेड आ रहा है, यहाँ पर डार्क कलर है, आप वहाँ जो है उस जो आपने कलर किया था उससे थोड़ा सा डार्क कलर आप वहाँ ऐड कर दें। मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर है इसका। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी पे कलर करेंगे। आपने कलर लेयर ऐड करनी है, जो बॉडी की जहाँ लाइन आर्ट बनाई थी उसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड करनी है, और कलर टूल से हमने बॉडी का कलर पिक करना है और अपने इलस्ट्रेशन में ऐड करना है। जो भी कलर आपको सही लग रहा हो, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, इसे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। ठीक है, कि वो बॉडी स्किन का कलर लगे कि हाँ स्किन का कलर है, बहुत ज़्यादा फेक ना लगे।
ये हमने कलर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें शेड्स ऐड करना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेशन में कॉर्नर्स पे थोड़ा डार्क कलर नज़र आ रहा होगा, बाजू पे भी और फेस पे भी, आप शेडिंग के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क कलर आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने शेडिंग ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी हेयर वाली लाइन आर्ट थी उसके ऊपर एक कलर लेयर ऐड करेंगे और हम हेयर कलर पिकर टूल से हेयर का कलर पिक करेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे। ये हमने कलर ऐड कर दिया, जहाँ जहाँ से रह गए वहाँ पेन से या जी पेन से इसको फिल कर दें। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि वाटर कलर रेड सेलेक्ट करना है और जो हमने हेयर पे कलर किया था उससे जितने भी लाइट शेड्स आएंगे ना वो हमने एक एक करके ऐड करने हैं। और इस तरह से जैसे बाल होते हैं ना, एक एक बाल होता है, वो हमने अब बनाना है, ठीक है। वो हमने वाटर कलर रेड सेलेक्ट करना है और इस तरह से हमने जो है वो एक एक बाल का लुक देना है कि ये हेयर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें कलर्स ऐड करते जाना है, जो हमने कलर किया था उससे लाइट शेड की तरफ आते जाना है। इस तरह से हमने लुक देना है कि ये हेयर्स हैं, ठीक है। कलर सेलेक्ट करते जाएं लाइट से लाइट, और हेयर्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इस वीडियो में नहीं बता रही, अलग से इलस्ट्रेशन बना बताऊँगी कि आप हेयर इलस्ट्रेशन किस तरह से बना सकते हैं, वो हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है इस पर, वहाँ आप जो है वो लाइट कलर ऐड कर दें। जैसे हाइलाइट्स हम ऐड करते हैं, इस यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर सा था तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये हमारे हेयर जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, पैलेट पे जाना है, ब्रश में आपको यहाँ पे स्मज वाला ब्रश नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने स्मज ब्रश सेलेक्ट करना है और ये जो आपने एड्स की थी लाइन्स इस पर हेयर्स की, आपने इनको हल्का हल्का सा स्मज करना है। बहुत ज़्यादा स्मज नहीं करना कि बिल्कुल ही वो फ्लैट कर दें आप, आपने हल्का हल्का सा इसको स्मज करना है, ठीक है। इस तरह से हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा हल्का ही हाथ रख के आपने इसको स्मच करना है। अब इसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी की तरफ आते हैं कि आपने एम्ब्रॉयडरी इसमें किस तरह से करनी है, ठीक है। जिस लेयर पे एम्ब्रॉयडरी की लाइंस बनाई थी इस पे लेयर आपने सेलेक्ट करनी है, प्लस पे जाना है, सेलेक्ट एन इमेज टू ऐड करना है। आपकी गैलरी में आपको ये ग्लिटर वाला गोल्डन बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने ये ग्लिटर वाला बैकग्राउंड लेना है, ठीक है, और इसको करना है आपने सेट। मैग्निफिकेशन आप 200 पे कर दें ताकि पूरा प्रॉपर पूरी इलस्ट्रेशन में आ जाए। अगर पूरी इलस्ट्रेशन में नहीं आ रहा तो आप इसको 2-3 बार भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एन इमेज टू ऐड करके हमने ग्लिटर बैकग्राउंड ऐड किया है, इसको हम एम्ब्रॉयडरी वाली कलर के ऊपर क्लिप करेंगे। ये क्लिपिंग का मेथड यूज़ होता है, इसमें क्लिप करना है हमने ग्लिटर वाली इमेज को अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली इमेज के ऊपर। इसी तरह हमने जो ज्वेलरी बनाई थी उसके ऊपर भी हम क्लिप करेंगे इस ग्लिटर वाली इमेज को, क्लिपिंग का मेथड यूज़ होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये हमने ऐड किया, इसको सेट कर लिया। अगर आप जो भी आपको ग्लिटर अच्छा लग रहा हो आप वो ऐड करें, लेकिन आपने क्या आपको ये ग्लिटर बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा, पिंटरेस्ट पे आपने जाना है, वहाँ आपने लिखना है गोल्डन ग्लिटर बैकग्राउंड, तो आपके पास ये बैकग्राउंड आ जाएगा, अपने वहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, वो आपकी गैलरी में आ जाएगा। गैलरी से आपने जो है वो अपनी इलस्ट्रेशन में ऐड करना है। एम्ब्रॉयडरी हम किसी कलर वगैरह से भी नहीं कर रहे, कलर से भी एम्ब्रॉयडरी होती है वो ब्राइडल इलस्ट्रेशन में हम ऐड करते हैं। अगर आपने वो नहीं करनी, गोल्डन कलर ऐड करना है या सिल्वर कलर ऐड करना है, तो इस तरह हम ग्लिटर वाले बैकग्राउंड उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और ब्लैक, इसको एम्ब्रॉयडरी को और हर चीज़ को ब्लैक बनाने का मकसद यही था
कि हम इस पर जब ग्लिटर ऐड करें तो वो ऐड हो जाए। अगर आप किसी और कलर से बनाते हैं या आप उसको बनाते ही नहीं, ब्लैक बनाते ही नहीं, उसकी लाइन आर्ट बना रहे होते सिर्फ, तो ग्लिटर ऐड नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ सिर्फ ब्लैक लाइन्स आ रही थी सिर्फ वहीं ऐड होता ग्लिटर लाइन आर्ट पे। आपने पूरा उसको फिल किया है तो इसलिए ग्लिटर ऐड हो रहा है, अगर आप फिल नहीं करेंगे तो ग्लिटर ऐड नहीं होगा। जो आपकी ज्वेलरी है उसमें भी, उसको भी आपने गोल्डन इसी तरह से दिखाना है कि हमने उसको पूरा प्रॉपर ब्लैक किया था, आप वहाँ पे जो है ये ग्लिटर ऐड कर दें। और जो इयररिंग्स है उसमें ये ब्लैक कलर था तो ये मैं अलग से ब्लैक कलर जो है वो पेन से मैं ऐड कर रही हूँ, इस तरह से बना हुआ था, क्योंकि ब्लैक कलर तो अभी ग्लिटर के ऊपर नहीं आ सकता तो हम इसको ग्लिटर के ऊपर ख़ुद से ऐड कर रहे हैं। ये हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। अभी मैं सिंपल बैकग्राउंड इसमें ऐड कर रही हूँ, कोई प्रॉपर एक बैकग्राउंड बना के ऐड नहीं कर रही। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं कलर ऐड कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड के बाद मुझे याद आया कि हमने लाइन आर्ट पे तो कलर किया ही नहीं था। अगर लाइन आर्ट आप ब्लैक रखना चाहते हैं ब्लैक रख लें, लेकिन मैं जो है वो इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। लाइन आर्ट में मैंने आपको बताया था किस तरह से कलर ऐड करना है। जो भी कॉर्नर्स पे कलर आ रहा है, जैसे ये बॉडी के कॉर्नर्स पे थोड़ा डार्क कलर आ रहा है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। और जो भी लाइन आर्ट थी उसके ऊपर हम या तो क्लिपिंग करते हैं या तो प्रोटेक्ट अल्फा अप्लाई करते हैं। मैं क्लिपिंग का मेथड यूज़ करती हूँ और इसको जो है वो जो भी कलर हो डार्क, आप उससे जो है इसको लाइन आर्ट पे आप अपनी कलर कर दें। ये हमारी लाइन आर्ट पे कलर हो गया है। नेल्स भी इसी के साथ मैंने नेल्स भी कलर कर दी हैं इसमें। ये हमारी इलस्ट्रेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह हम किसी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये वीडियो, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को और मुझे इस पर बहुत सारे लाइक्स चाहिए प्लीज़। इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। मुझे इस पर ज़्यादा लाइक्स चाहिए और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।